हम जानते हैं कि पपीता बहुत फायदेमंद होता है। इसी तरह पपीते के पत्ते भी आयुर्वेद में बेहद फायदेमंद बताए गए हैं। बरसात के दिनों में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा ज्यादा बना रहता है, जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती है। पपीते के पत्तों का अर्क इसमें बहुत फायदा करता है। इसी के साथ ही ये पाचन और त्वचा से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करता है। उनका साइंटिफिक नेम है कैरिका पपाया, और ये जो है दवाओं में काफी इस्तेमाल होता है, आयुर्वेदिक में भी होता है, होम्योपैथिक में भी होता है, हर्बल में भी होता है। पूरी दुनिया में इसका काफ़ी चर्चा है, खासतौर से इंडिया और मैक्सिको में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये टैबलेट्स की फॉर्म में भी आता है, एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, इसके जूसेस होते हैं, या फिर इनका जो है स्क्वाश बनाया जा सकता है इनकी पत्तियों का। कई जगहों पर ड्राइड पाउडर भी मिलता है। पपीते के पत्ते को जब हम एनालाइज करेंगे तो इसमें काफ़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, और इसका जो है मेजरली 7 एरियाज में काफ़ी बेनिफिट है। पहला जो इसका एरिया है वो है ब्लड शुगर रिड्यूस करने में, क्योंकि इसका स्पेशल इफेक्ट पाया गया है ब्लड शुगर रिड्यूसिंग सेल्स में और इंसुलिन सिंथेसिस में। तो एनिमल स्टडीज इसकी काफ़ी सपोर्टिव है, और वैसे पुराना आयुर्वेदिक और यूनानी या फिर अगर आप होम्योपैथिक बैकग्राउंड देखेंगे तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सेकेंड है हेयर ग्रोथ में, हेयर ग्रोथ में इसके काफ़ी बेनिफिट्स बताए जाते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसको काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, इसको एज अ पेस्ट भी इस्तेमाल किया जाता है लगाने के लिए, और इसको खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये माना जाता है इसमें विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा है मात्रा में है, तो इसलिए ये हेयर के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल। थर्ड हम बात करेंगे तो ये जो है स्किन के लिए बहुत अच्छा है, रैशेज एक्ने इस तरह की चीज़ों में ये काफ़ी काम करता है, अगर किसी को है तो उसको दिए जाए और ये ठीक करता है। फोर्थ है इसमें डाइजेस्टिव एंगल से जो है IBS जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, उसमें या गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, इसमें जो है इसका जूस काफ़ी काम आता है, डाइजेस्टिव एंगल से काफ़ी काम आता है। फिर हाँ, ये काफ़ी फेमस है इसका यूज़र डेंगू फीवर में, डेंगू फीवर में हाई ग्रेड फीवर माना जाता है, और उसमें हेडेक होता है बहुत ज़्यादा, रैशेज हो सकते हैं, स्किन रैशेज हो सकते हैं, स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा, या फिर पेट खराब हो जाता है, नौसिया होता है, उल्टी जैसा आने को होता है, या वॉमिटिंग है इसमें। ये सारे जितने भी सिम्टम्स हैं, अम्ब्रेला सिम्टम्स हैं डेंगू के, उसमें काफ़ी अच्छा होता है पपीते का जूस अगर आप पिए रेगुलरली। और लास्ट है इसका जो है काफ़ी स्टडीज़ है, एनिमल स्टडीज़, जिसमें कैंसर में इसका काफ़ी अच्छा रोल पाया गया, कैंसर प्रिवेंशन में इसका काफ़ी अच्छा रोल पाया गया। फर्दर स्टडीज़ की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जो है इसके बेनिफिट्स जो हैं वो देखे गए हैं एट क्लिनिकल लेवल। इसकी डोजेज जो है वो 1 ounce पर डे बहुत सेफ है, 1 ounce का मतलब है 30 ml अगर आप इसका जूस लेते हैं एक्सट्रैक्ट का, तो जो है आप या फिर डायरेक्टली आप बना सकते हैं, तो इसको, इसके जो बेनिफिट्स हमने बताए हैं ये आपको मिलेंगे। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।